साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कॉमरेड शोपतराम। अभी ये आप जो लाइव दृश्य देख रहे हैं, ये टिकरी बॉर्डर है, जहां पिछले 5 दिन से किसान बंधु बहुत भारी संख्या के अंदर इस बॉर्डर के ऊपर जमे हुए हैं। मैंने बार बार आप सभी साथियों के साथ ये बात साझा की थी कि दिल्ली के चारों तरफ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेके लाखों किसान यहां पर जमे पड़े हैं। मैं खास तौर पर गंगानगर के किसान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम 26 तारीख से जब डब्बावाड़ी में किसान साथी इकट्ठे हुए थे, हम इन किसान साथियों के साथ डटे हुए हैं। आज हमारे गंगानगर के सीसी हेड से पदमपुर ब्लॉक के साथी आज रवाना हो रहे हैं और भादरा के हमारे विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में कल भारी संख्या के अंदर 10 बजे गांधी चौक भादरा वो साथी इकट्ठे होके और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस बात का प्रचार प्रसार करके और किसान साथियों को प्रेरित करें कि वो दिल्ली की ओर चलें। जैसा भी गांवों के अंदर संभव हो, ट्रैक्टर ट्राली जीप मिलकर अपने कोई व्हीकल्स करके और यहां दिल्ली पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि सरकार जो लगातार इन बातों पे अड़ी भी थी, आज ही आप सभी देख रहे हैं अखबारों टेलीविज़न के माध्यम से कि कृषि मंत्री ने 3 बजे किसान संगठन के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। अगर किसानों का दबाव बना रहा, निश्चित तौर पर ये किसानों की जीत होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ चंद टीवी चैनल्स और बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल जो ये प्रचार कर रही थी कि ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन है, ये आंदोलन खालिस्तान का आंदोलन है, इसमें ऐसे लोग घुसे हैं जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आप ये घर बैठे चित्र देखिए और इस बात को शेयर करिए। ये बुजुर्ग जो चिट्टी दाढ़ी के काश्तकार हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, नौजवान प्यारे बच्चे, 6 दिन से भीषण इस ठंड के अंदर यहाँ सड़कों के ऊपर पड़े हुए, ये सिर्फ सरकार से एक बात करने के लिए आए हैं कि सरकार जो 3 काले कानून लेके आई, कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन हम किसान संगठनों का आरोप है कि मोदी जी इन कानूनों को जो आप लेके आ रहे हैं, इसकी डिमांड किसने की? न हम किसानों ने ये मांगा, हम लगातार दिल्ली में 2 साल पहले भी 2 लाख किसानों को लेके किसान संसद की थी, लगातार देश के किसान जथेबंदियां इन बातों को लेके लड़ रही है कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल के दाम मिलने चाहिए। किसान की फसल के स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दाम मिलने चाहिए, उस बात को आप अनदेखा करके और इन 3 काले कानूनों को लाके जो देश की खेती किसानी को अडानी अंबानी को सौंपने जा रहे हैं, ये देश का अन्नदाता किसान इसको सहन नहीं करेगा, सड़कों पे मुकाबला करेगा। आप देख रहे हैं ये इधर लंगर चल रहा है, ये देखिए ट्रैक्टर ट्रालियों में 6-6 महीने के राशन के साथ किसान बंधु पहुंचे हुए हैं, पक्का मोर्चा लग चुका है। मैं गंगानगर के किसान मित्रों से एक बार पुनः निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे साथी गांव में निकले हुए हैं और पुर तहसील के सीसी हेड से किसान साथी रवाना हो रहे हैं। कल जैसा मैंने बताया आपको
भादरा के विधायक कामरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में 10 बजे गांधी चौक पर किसान इकट्ठे होंगे और लगभग 200 गाड़ियों का काफिला इस संघर्ष का समर्थन करने के लिए आएगा। आप जहां भी है गांव के गरु घर के अंदर आप मुनियादी करवाइए, आवाज़ लगवाइए, मंदिरों में आवाज़ लगाइए और गांव से व्यवस्था करके आप पहुंचिए। किसानों की निर्णायक लड़ाई है, अगर किसान हार गया तो निश्चित तौर के ऊपर उसके बाद हमारी खेती किसानी को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं एक बार पुनः गुजारिश करना चाहूँगा, इन बुजुर्ग किसानों की तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहूँगा जो इस ठंड के अंदर यहाँ पर जमे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर बैठे अगर आप नहीं आ पाए हैं, मेहरबानी करके इसको शेयर करें। हर किसान गंगानगर के एक एक किसान के पास ये बात जानी चाहिए कि वहाँ पर किसान लड़ रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद। जीत के आएंगे।